पड़े महा पाते हो तुम करो भाई पलाना लाइव है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जीत चुके हैं भाई पाल ठंडे। अरे महिपाल जी दो मिनट मैडम साहब, पहले तो जीत की बधाई, तीसरी बार फिर से जा रहे हैं आप चंडीगढ़ में और अब जो है आवाज उठ रही है डिप्टी सीएम की, चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए साओ का सेंस आप ऐसे सेंस हम चक्कर में पड़ते नहीं। अरे पार्टी का काम है, पार्टी क्या करने वाली है, जनता जनार्दन की जीत है। पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है, मेरे परिवार ने अपना चुनाव लड़ा, खुद जीता, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परिवार ने अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभा के 50,000 से भी ज्यादा वोटों से मुझे जो जितवाया है, तो ये सारा श्रेय पानीपत ग्रामीण परिवार का है, जनता जनार्दन का, मोदी जी का। मोदी जी का आप तो दोनों तीनों चारों लोग कवर कर रहे थे, देखा जब हम लोग ये निशान दिखता था, दिखते बोलते थे हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। सर 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 भाई मेरे को बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। तो भाई तो हम लोग जो मोदी जी ने जो हरियाणा के और इस देश के लोगों में जो विश्वास जगाया कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर हरियाणा खड़ा करना है, वो लोगों के दिमाग में था कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस कुछ करती नहीं, लारे लप्पे लगाती है। 50 साल में कांग्रेस ने इस देश का भट्ठा बिठाया 60 साल में, और मोदी जी को सही मायने में तो 8 साल मिले, 2 साल कोरोना में तो सारी दुनिया आर्थिक मंदी आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी, मगर 8 साल में जिस तरह से भारत खड़ा किया है, 60 साल वर्षित 8 साल का, ये एक बहुत बड़ा अनूठा जोड़ था के जोड़ है कि जिसमें 60 साल फेल हो गए लोग, और विशेष तौर पे गरीब आदमी, उसको पूरा भरोसा है भाजपा की नीतियों पे, क्योंकि बीजेपी ने जो जो भी कहा वो उन्होंने किया और उसका सीधा लाभ गरीब से गरीब आदमी को मिला। अंत्योदय की हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि वो अंतिम से अंतिम आदमी जिसके पेट में दाना नहीं है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जिसके सिर पे छत नहीं है, ऐसा आदमी भी इस देश में आत्म स्वाभिमान के साथ जिए, अपना पेट भरे, वो इलाज के अभाव में अपनी जान ना दे। इन सब संकल्पों के साथ हमने काम शुरू किया था और हम लोग उस पे दावे से कह रहे हैं कि हमने उस पे बहुत अच्छा काम किया है, उसमें जो त्रुटियां बचती है, जो कमियां रह गई, उन कमियों को भी हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करके एक आत्मनिर्भर प्रदेश अपना हरियाणा बने, उसके लिए दिन रात खपाएंगे। राहुल गांधी की आंधी नहीं चली हरियाणा में, पूरे जोर शोर से प्रचार किया था। देखिए ये कांग्रेस के लोग सारे गलत बोल रहे थे, आपको मैंने कहा मुझे नहीं पता अभी कितनी सीट आ रही है कितनी नहीं भाजपा की, मगर मैंने चुनाव खत्म होते आपको क्या कहा था कि 49 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये चुनाव खत्म होते बोला था मैंने, बोला था ना कि 49 सीट, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग 49 सीटों के साथ, राम जी ने इतनी कृपा करी अब वो कितनी है मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ देखेंगे क्या क्या कितनी सीट आ रही है कितनी नहीं, यार आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन अब तो बहुमत से आंकड़ा जब पार कर गया ना बैसाखी ना कुछ, वैसे भाईचारा तो रखोगे नहीं, बैसाखी की बात नहीं है, जितने भी इंडिपेंडेंट्स हमारे जीत के आएंगे हम सबको गले लगा के अपना काम करेंगे, उसके उनको सबको साथ लेके हम काम करने वाले हैं, तो इसलिए जो भी कोई इंडिपेंडेंट जीत के आया है उन सबको साथ लेके काम करेंगे। अच्छा अब बहुत ज्यादा आपके ऊपर और पड़ गया क्योंकि तीसरी बार पार्टी ने जिम्मेवारी भी दी और तीसरी बार आप जीत भी गए, अब पानीपत ग्रामीण की जनता उम्मीद करे कि जो बचे हुए काम थे महिपाल डांडा ने उस पर काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम थोड़ा सा देखिए जो भी शेष बचे हुए काम है वो तमाम काम करके देना, ये उसकी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ प्रोजेक्ट हमारे जो चल रहे हुए थे उन प्रोजेक्ट को हम लोगों ने पूरा करना है,
और कुछ सपने थे, सपने ये कि पेयजल, शुद्ध पेयजल, यमुना जी का पानी रेन्यूअल प्रोजेक्ट के जरिए लेके आना। 1350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, सारी उम्र में भी नहीं लेके आ सकते इतना पैसा कांग्रेस के लोग। मैंने लगभग 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं दी है, इतने पैसे से मूलभूत सुविधाएं। आप कल्पना करो था क्या यहाँ पे, जिस किस अधिकार से वो लोगों से आशीर्वाद मांग रहे थे, लोगों को बताइए। कांग्रेस ने यहाँ बट्ठा गोड़ करने के अलावा और किया क्या? सिटी में बीजेपी हार जाएगी, 37-38 हजार से भी साहब जीत गए। अब आप बताइए ना, कहा ये लोग क्या सपना देख रहे थे हम लोगों के बारे में? उल जुल बातें करना, अहंकार, एरोगेंसी देखी कितनी जबरदस्ती। पत्रकारों को भी जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मजाक बना रहे थे, हमने देखा था ना, ऐसे हाथ करके बैठे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे, इतने वोट डाली, ऐसे जैसे बात बने गई है। और सुबह सुबह कांग्रेस के लोग जितने घमंड के साथ जाकर ने जलेबी लेके दूध लेके पहुंच रहे थे, वो मैं देखा थोड़ी देर बाद, मुझे पता लगा, मैंने पता किया कहाँ गया, बोला जलेबी वाला भाग गया, उनका ढोल वाला, बोला वो भी चला गया। और ढोल वाला बाहर खड़ा होकर कह रहा सही में कि मैं 2000 रुपये में आया था, मेरे को कौन पैसे देगा, वो ढूंढ रहा है कौन करके लेके आता, 2000 रुपये उसके रह रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, नहीं सही में कह रहा हूँ, वो ढोल वाले के 2000 रुपये जरूर देख के आए। आप ढोल वाला आप ही ले जाते हैं उसको, जब आएगा की बात नहीं है, उनके कार्यालय की बात है। आपका एक हेडक्वार्टर है, इनका हेडक्वार्टर पे जो ढोल वाले थे, जहाँ पे चौधरी हुड्डा साहब और बाकी कांग्रेस के बड़े नेता आने वाले थे, वहाँ ढोल वाला ढोल बजा रहा था टी शर्ट डाल के, वो दोनों ढोल वाले 2000 रुपये में आए होंगे, वो वहीं बैठा है, वो कह रहे कि मेरे को जो किया था 2000 रुपये दो, अब कोई मिल नहीं रहा उसको वहाँ पे, मैं वो कह रहा हूँ वो। आपका एक सपना था, मैं बार बार सुनता है एम्स की बात करें, एम्स की टीम जो है वो CSE PSC की बात चल रही थी, वो टीम आप बैठाएंगे कि बैठ? देखिए उसके 12.5 करोड़ रुपए हमारे सम्मानित डिप्टी कमिश्नर के पास आ गए, एडी से लेकर चोटी तक जितना भी टेस्ट होता है एम्स का, वो रिसर्च सेंटर हमारा जो आया है उसको बहुत जल्दी हम लोग उसका टेंडर लगाएंगे, टेंडर लगा के बहुत जल्दी हम लोग उस काम को कर देंगे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अधीन एम्स ने उसको दिया है, अब उसकी देख रेख वो सब करेंगे और उसके निरीक्षण, उसके देख रेख में, उसके निरीक्षण में वो सेंटर बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि 8 से 10 महीने में हम लोग वहाँ पे चालू कर दें और उसकी फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलनी शुरू हो। लास्ट सवाल और करेंगे, आपने जाना है कॉलोनियां जो और बची हुई हैं जिनको पक्का करने का काम है, सबको उम्मीद करें डाणा साहब उस पर भी काम करेंगे। बिल्कुल, कुछ भी काम नहीं छोड़ेंगे, कुछ। चलिए महिपाल है और बड़ी बात है कि तीसरी बार चुनाव जीते हैं, और ये अब विजय जुलूस जो है इनका यहाँ से चलेगा पानीपत ग्रामीण के लिए, अपने दफ्तर तक जाएंगे और ये जीप तैयार है, खुली जीप तैयार है और ऊपर जो है महिपाल डांडा सवार है। तीसरी बार जो है चुनाव जीत के आए हैं पानीपत ग्रामीण से, और ये विजय जुलूस जो है, विजय जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा है और आर्य कॉलेज से आप लोगों को ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि मंत्री हैं फिलहाल और तीसरी बार जो है सत्ता में आ रहे हैं, तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया तो 50,000 के करीब जो है, 50,000 से ऊपर की जो है बड़ी बढ़त जो है इन्होंने ली है। सेकंड नंबर पर सचिन कुंडू कांग्रेस के और तीसरे नंबर पर जो है आजाद उम्मीदवार विजय जैन रहे हैं। और महिपाल डांडा की बड़ी जीत आप देख सकते हैं, खुली जीप में जो है उन्हें अब यहाँ से बाहर ले जाया जाएगा और उनके समर्थक जो है, इस साइड आपको दिखा दें, उनके समर्थक जो है काफी संख्या में काफी देर से जो है इंतजार कर रहे थे और अब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये तस्वीरें महिपाल डांडा के काफिले की हम लोग आपको दिखाएंगे, काफी खुश हैं। और पानीपत ग्रामीण में और जितने भी कार्य रह चुके हैं, बचे हुए कार्य जो रह चुके हैं उनको पूरा करवाने की बात वो जो है कर रहे हैं। महिपाल डांडा जो कॉलोनियां बची हुई हैं उनको पक्का करवाने की जो बात है वो भी महिपाल डांडा ने कही है। तो ये 5 साल उनके टर्म के रह जाने वाले हैं, 5 साल में क्या करेंगे तो वो देखने वाली बात होगी। ये देखिए महिपाल डांडा साहब आ रहे हैं होली जीप में, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। और महिपाल डांडा का ये विजय जुलूस है और खुश नजर आ रहे हैं समर्थक भी इनके काफी, और यहाँ से जो है ये बाहर की ओर जो है निकलेंगे। तस्वीरें जो है शेयर जरूर करें और पूरा
जश्न का माहौल जिसे कहा जा सकता है, पूरा जश्न का माहौल जो है इस समय आप देख सकते हैं पानीपत ग्रामीण में जश्न का माहौल। और ये तमाम जो पुलिस कर्मचारी सीआईएसएफ के जवान और उनके कमांडो जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। और बाहर देखिए महिपाल डांडा के नाम के नारे जो हैं लग रहे हैं। तो यहाँ से विजय जुलूस ग्रामीण के लिए जो है निकल रहा है महिपाल डांडा। देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। 50,000 की लीड जो है, 50,000 रुपए की लीड जो है उन्होंने क्रॉस की है। और करीब 2 महीने की मेहनत, ये देखिए खुश नजर आ रहे हैं, 2 महीने की मेहनत जो है रंग लाई है, 2 महीने की रंग मेहनत जो है रंग लाई है। और ये देखिए ये जीत का जुलूस है, ये विजय का जुलूस है जो यहाँ से निकल रहा है। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत जो है पानीपत में दर्ज कराई। और पानीपत की बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था लेकिन एक तरफा जीत, 50,000 से ज्यादा जो है जीत दर्ज की है महिपाल डांडा ने। एक रिकॉर्ड जो है फिर से कायम किया। और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जो है बनती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। महिपाल डांडा तीसरी बार का जो नारा था वो चल गया है, महिपाल डांडा जो है तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं और उनका विजय जुलूस जो है यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें शेयर जरूर करें, पानीपत के ग्रामीण हल्के से ये तस्वीरें जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। महिपाल डांडा दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री हैं फिलहाल हरियाणा सरकार में। और अब जो है बड़ा होता लेने की जो बात कर रहे हैं, ऊपर देखिए वहां पर भी जो है जहां जहां तक नजर जाए वहां वहां तक जो है महिपाल डांडा के समर्थक आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। और ये महिपाल डांडा देखिए खड़े हो गए हैं जीप के ऊपर, महिपाल डांडा खड़े हो गए हैं पुलिस जीप के ऊपर। उनका स्वागत जो है वो लगातार किया जा रहा है, उनके स्वागत की तस्वीरें जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रामीण हल्के की है, ग्रामीण हल्के से तीसरी बार महिपाल डांडा जो है बने हैं, उनके समर्थक जो है काफी खुश जो है नजर आ रहे हैं। महिपाल के काफिले की तस्वीरें, महिपाल डांडा तीसरी बार और पूरा हजूम जो है महिपाल डांडा के प्यार में महिपाल डांडा को मुबारकबाद देने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। ये देखिए महिपाल डांडा पुलिस जीप में है और खुश नजर आ रहे हैं और अब परिवार का जाके आशीर्वाद लेंगे क्योंकि तो कई महीनों की मेहनत है जो फिर से जो है रंग लाई है। ऊपर जो है फूल बरसाए जा रहे हैं, देखिए फूल बरसाए जा रहे हैं महिपाल की जीत के ऊपर, ये फूल जो है बरसाते हुए जो है लोग नजर आ रहे हैं। जो बड़ी जीत जो है यहाँ पर दर्ज करवा चुके हैं महिपाल डांडा, जो है बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करवा चुके हैं। ये तस्वीरें उसी जश्न की आप लोगों को दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। महिपाल डांडा के जश्न की तस्वीर और महिपाल डांडा आग्रह कर रहे हैं कि वो चीफ को जो है आगे आगे जो पब्लिक है वो आगे बढ़े। और हजूम देख सकते हैं, भारी हजूम जो है ये महिपाल डांडा के प्यार में और महिपाल डांडा के समर्थक जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। जीटी रोड से आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक महिपाल डांडा के समर्थक हैं। ये महिपाल डांडा खड़े हो गए हैं, महिपाल डांडा खड़े हो गए हैं पुलिस जीप के ऊपर, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जीत चुके हैं महिपाल डांडा, ये जीत की
देखी जा रही है। डांडा होली गीत में यहाँ से रवाना होते हुए विजय जुलूस जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है। हर लोगों का जो है अभिवादन स्वीकार करते हुए भाई पाल डांडा काफी खुश है, उनके समर्थक जो है काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि महिपाल डांडा जो तीसरी बार यहाँ से विधायक बने हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और अब डिप्टी सीएम बनाने की जो है मांग जो है लगातार की जा रही है और उसकी लाइव तस्वीरें, विजय जुलूस की लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ वीडियो को भी शेयर करें और इन ऐतिहासिक पलों को आप अपने कैमरे में भी जो है कैद करें। तो अब प्रमोद विज साहब की जो है वो भी तस्वीरें दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें जो थे हम ग्रामीण हल्के की आप लोगों को दिखा रहे थे।